जो व्हाट इज अप मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सबसे प्यारा राजू लारा छोटा हल्दी और मैं आ गया हूं जी दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में। और दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में कहां पे आ गया हूं जी, बहुत दिन से मेरे दोस्त कह रहे थे शाही दही बल्ला खाओ यार, शाही दही बल्ला खाओ। मैंने कहा ये कहां मिलता है, उन्हें कहा आप सरोजनी नगर जाओगे आपको मेन रोड पर ही दिखाई देगा शाही दही बल्ला, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन यार, बहुत टाइम से आ रही थी। तो मैं कहा यार आज जाना बनता है और मैं आ गया हूं जी दिल्ली के शाही दही बल्ले पे। चलिए बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ के इनके ओनर से एक बार बात करते हैं कि क्या है। 13 साल से ये दुकान खुली हुई है। वैसे तो मैंने यहाँ पे एक अंकल जी को देखा था, आज वो अंकल जी है नहीं, हमारी किस्मत में ही नहीं था उनसे मिलना लगता है। चलिए बात करते हैं यहाँ के ओनर से। मैडम वेलकम टू छोटा हल्दी। थैंक यू। मैम अपना नाम बताएं प्लीज। इंदु ग्रोवर। इंदु जी, आंटी जी यहाँ पे तो पहले अंकल जी खड़े रहते थे वो? हाँ वो भाई साहब है, वो दिन में होते हैं। अच्छा जी। हाँ जिस दिन वो छुट्टी करते हैं उस दिन मैं आती हूँ। अच्छा जी, आज इनकी थर्सडे है, थर्सडे को छुट्टी है मतलब। क्या बात है आंटी, ये कितने साल पुराना आपका? ये 13 साल हो गया मैं यहाँ पे। अच्छा जी, मेरे को सच्ची में 13 साल मेरे को लगा नहीं, मेरे को लगा बहुत साल पुराना है क्योंकि मैं इतने साल से इसका नाम सुनता आ रहा हूँ। सारे इसको रिकमेंड मेरे को कर रहे थे कि दही बल्ले खाओ यार, दही बल्ले खाओ, कहाँ से खाओ, सरोजनी नगर में शाही दही बल्ले। वो भी उन्होंने कहा कि 3 दुकानें इकट्ठी हैं, आप असली वाले अंकल से खाना। तो 15 मिनट तो मेरे को लग गए यहाँ पे असली वाले अंकल को ढूंढने में, शाही दही बल्ले को। तो आंटी जी क्या क्या सर्व करते हैं आप? बल्ले हैं, भल्ला पापड़ी है, गोलगप्पे हैं, टिक्की हैं, भरवा गोलगप्पे, राज कचौड़ी। क्या बात है। और हमारी वैसे कोल्ड कॉफी भी बहुत अच्छी होती है, कोल्ड कॉफी लस्सी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आपने कोल्ड कॉफी अभी लॉन्च की है? नहीं, काफी टाइम हो गया, अब तो 2-3 साल हो गए कोल्ड कॉफी को। अच्छा, शुरू से पहले भल्ले ही थे, फिर ये धीरे धीरे चीजें आई। जी 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 जी। तो आंटी आप ऐसे डिलीवरी भी करवाते हैं? पहले थी जोमेटो और उससे अभी कुछ इश्यू है तो इसलिए अभी रोका हुआ है। अच्छा जी, तो भाई स्विगी जोमेटो से अभी नहीं है, आप पर्सनली ऑर्डर देना चाहें। पर्सनली आंटी कितने रेडियस में आप डिलीवर करते हैं? वैसे हम डिलीवरी नहीं करवाते हैं। अच्छा जी, ठीक है, अगर कोई बोलता है तो फिर ऑन पेमेंट डिलीवरी देते हैं। ओके भाई, और डिलीवरी नहीं है क्योंकि आंटी जी कहते हैं यहाँ पे आके खाओ, हमारे से बातें करो और स्वाद लो अच्छे अच्छे खाने का, और मीठी मीठी बातों का भी स्वाद लो, इसलिए हमारे पास आके ही खाओ यार, तो ही मज़ा आएगा ज़िंदगी का। और वैसे भी मेरा भी मानना, जितनी आप लोगों के साथ मिल के खाओगे उतना ज़्यादा टेस्ट खाने का आता है। तो आंटी जी यहाँ की टाइमिंग क्या पे कितनी है, क्या टाइमिंग है? सुबह 10 से लेके 9 बजे तक। सुबह मतलब 9:30 हो जाते हैं वैसे आजकल, हो जाते हैं 9:30। अच्छा जी, 9 बजे तक है वैसे। वैसे 9 बजे हैं, अगर आप इंसिस्ट करोगे कि भाई गोलगप्पा खाना ही है और शाही दो गोलगप्पा खाने हैं, तो आंटी जी कह रहे हैं 9:30 तक हम खोल देंगे। नहीं नहीं, अब आंटी ने बोला था 9:30, अब कह रही नहीं 9 बजे। चलिए ठीक है आंटी जी, नहीं खोलेंगे। 9:30 हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी ना। नहीं 9:30 बताना, 9:25 पे आ जाना चाहे। सही बात है भाई यार, 9 बजे तक की टाइमिंग है, सुबह से लेके 9 बजे तक की टाइमिंग है। तो भैया असली शाही दही बल्ले खाने हैं तो शॉप नंबर 8 पे आना, और शॉप नंबर 8 वालों ने एक्वायर कर लिए शॉप नंबर 6, तो वहीं पे जाना और कहीं मत चले आना। ये दही बल्ले बन रहे जी, हाफ प्लेट दही बल्ले। ये गई पापड़ी, ये गया मसाला, एंड ये गया जी हमारी पापड़ी और ज़्यादा। क्या बात है। और ये भैया ने दही घोली, और ये दही घोल रहे हैं, और ये गई जी दही हमारी, ये लो जी, ये लो, फिर और गई ऊपर से, ये गया फिर से, गया मसाला एक बार फिर से, और अब ये गई लाल चटनी, इमली की चटनी, इमली की चटनी गई। और ये कौन सी है भैया, हरी चटनी किस चीज़ की? धनिया पुदीना। और ये गया जी, ओए देख रहे हो क्या गार्निश कर रहे हैं भैया। और ये गया ड्राई फ्रूट, किशमिश गई, बादाम गए, और एक काजू, और ये क्या भैया, अदरक, अदरक गई। ये देख लो जी क्या बात है, ये रेडी टू सर्व है जी, ये गई हमारी। ये जी बन रहे हमारे भरवा गोलगप्पा, बनने की तैयारी हो रही है। भैया ने हल्के हल्के गोलगप्पे प्लेट में रखने शुरू कर दिए हैं, देखिए कितने टेंडरली इसको तोड़ रहे हैं। क्या बात है। ये गए जी आलू छोले, और क्या डला हुआ है भैया इसमें? आलू छोले, अभी भल्ले डलेंगे इसके बाद। आलू छोले डले हुए हैं और इसके बाद डलेंगे भल्ले। ये गया भल्ला, वाह जी वाह, बेटे मौज कर दी आज तो, वाह क्या बात है। मसाला अपने स्वाद अनुसार डलवा सकते हैं। ये गया जी ठंडी ठंडी मीठी दही है, देख लो जी। ये गई, वाह भाई वाह क्या बात है। ये गई दही, वल्ला
भाई देख के ही मजा आ रहा, ठंडी ठंडी दही है, मन कर रहा लस्सी पी लो इसकी। जैसे हर किसी का जन्म किसी काम के लिए होता है, भैया का इतने स्वाद गोलगप्पे और भरवा गोलगप्पे बनाने के लिए जन्म हुआ है। ये गई जी चटनी लाल लाल इमली की, वाह भैया वाह, क्या डिज़ाइन दे दिया आपने तो, एक्सपर्टीज, ये होती है एक्सपर्टीज, वाह। वाह यार वाह, ये गए जी हमारे अनार बहुत ही, और ये किशमिश देख रहे हो यार, ये क्वालिटी की बात मैं कर रहा था कि आप बनाने की क्वालिटी भी देख लो, और प्लस आपके जो अच्छा ड्राई फ्रूट भी डाल रहे हैं भैया ने, पूरे हाथ ने हाथों पे ग्लव्स भी डाल रखे हैं, ये क्वालिटी मैटर करती है यार, आज के दिन में तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ये बन रही है जी हमारी शाही दही बल्ले की शाही टिक्की, क्या बात है, देख रहे हो यार कितना क्रंच है इसका अपना, और बिल्कुल फ्रेश बनाई है भैया ने अभी अभी हमारे सामने, इसका डफ तैयार किया था बिल्कुल प्रॉपर से, और इनका कटिंग का तरीका ये गया जी हल्का हल्का मसाला बिल्कुल, और ये गई जी हमारी लाल चटनी इमली की जो इनकी खास है, ओहो ये गया जी, ये गया, ये गई, ये गई, आहा वाह भाई वाह, मीठी चटनी है जी, ये गई हरी चटनी अब इसके साथ प्रॉपर तरीका, और ये गया जी हमारा अब थोड़ा सा प्याज जाने वाला मुझे लग रहा है, ये गया जी प्याज, खूब प्याज खूब, और ये भैया टिक्की कितने की है, 50 की हाफ, हाँ जी 50 रुपीज़ की हाफ, 50 रुपीज़ की हाफ है जी टिक्की है, मतलब एक टिक्की मिलेगी, हाफ का मतलब होता है आपको हाफ टिक्की नहीं मिलेगी, एक टिक्की मिलेगी 50 रुपीज़ में। ये गई जी दही, मीठी दही है ना भैया ये, वाह क्या गार्निश कर रहे भैया प्रॉपर तरीके से, ये फिर से लाल चटनी, ये गए जी देखो पनीर भी जा रहा है यार, मैंने तो कभी ऐसी प्रिपरेशन नहीं देखी जिसमें पनीर भी ऊपर से डाल रहे होंगे, दो चलें, वाह वाह बेटे वाह, ये भरवा गोल गप्पे, ये है जी हाफ प्लेट भरवा गोल गप्पे 70 रुपीज़ के हैं, ये भरवा गोल गप्पे 70 रुपये के पड़ेंगे, देख सकते हैं आप क्वालिटी, हमने प्रिपरेशन भी दिखा दी है, और ये जी भल्ले पापड़ी ये भी 50 की है, हमने हाफ प्लेट ली है, और ये जी टिक्की है ये भी हमने एक टिक्की ली है वो भी 50 रुपये की, आप देख सकते हो। पहले आप क्या कहते हो, भरवा गोल गप्पे से या टिक्की खाऊं या ये बल्ले पापड़ी खाऊं, पहले जल्दी बता दो, 1 2 3, अच्छा आप भरवा गोल गप्पे कह रहे हो, चलो फिर वहीं से ट्राई कर लेता हूँ, चलो जी आओ जी पास आ जाओ भाई, आप भी ट्राई करेंगे भरवा गोल गप्पे, ये देखो जी, और पहली बार देख रहा हूँ कि चम्मच से गोल गप्पा उठ रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है, और टिका भी हुआ है गोल गप्पा होने के बाद ये चम्मच पे टिका हुआ है, मेरे को ये पहली बात तो यही हैरानी हो रही है, इसी के लिए शाही दही बल्ले जाना जा रहा है मेरे को लग रहा है, अब ये देखो कैसे मेरे मुंह में जाएगा बड़ा सा गोल गप्पा। सबसे पहले जो आपको टेस्ट आने वाला है वो आने वाला सबसे इसकी प्यारी सी मीठी दही का टेस्ट आने वाला, उसके बाद आप चबाते रहोगे तो आलू का टेस्ट आएगा, गोल गप्पों का क्रंच आएगा, किशमिश का टेस्ट आएगा, उसके बाद काजू का टेस्ट है, मतलब जो जो इन्होंने चीज़ें डाली है, काजू यार बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी दही है, मीठी मीठी चटनी है, हल्का हल्का मसाला है, क्या ही चाहिए यार, 70 रुपये में 6 भरवा गोल गप्पे के पीसीज हैं, मेरे को नहीं लगता आप में से कोई अकेले भी खा पाएगा इसको। तो चलिए ये तो था भरवा गोल गप्पा, मैंने खा लिया मीठा मीठा, बड़ा मज़ा आ गया ज़िंदगी का, अगर आपको भी ज़िंदगी के मज़े लेने हैं तो शाही गोल गप्पे में पहले आ जाओ, फिर दूसरे मज़े बाद में ले लेना। ये आ गई जी भल्ले पापड़ी, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि इसको इसकी सूरत बिगाड़ने का, इतनी प्यारी सजी हुई है, दिल कर रहा है इसको ऐसे ही सजे रहने दूँ, लेकिन क्या करूँ, पीछे से दुकानदार भैया देख रहे हैं, वो कहेंगे साले मेरा माल ऐसे ख़राब करवा दिया तूने, ये लो जी आ गया, ओए होए 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 यार ये तो बहुत ज़्यादा ही है, ये पापड़ी है गोलगप्पे, ये पापड़ी है, दही है, मीठी चटनी, जो ओवरऑल प्रोसेसिंग हमने सारी आइटम्स में देखी है इसकी, भाई मुझे लग रहा था कि गोल भल्ले पापड़ी का टेस्ट भी बिल्कुल भरवा गोलगप्पे जैसे होने वाला है, लेकिन ये गलत फहमी थी मेरी, इसमें जो तीखापन आया है ना एकदम खा के, जो इसका मसाला एक मुझे स्ट्राइक किया है
और भल्ले का जो प्यारा सा टेस्ट आया वो बहुत ही अलग टेस्ट है यार। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि दिल्ली में आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक जगह तो मिल ही रहा है ना, सरोज नगर में शाही दो गोलगप्पे वाला, तो वो तो खा ही लो। चलिए बात करते हैं, ये हमारे कस्टमर, हमारे रिव्यूअर, हमारे सब्सक्राइबर भी ये रह चुके हैं, क्या नाम है, जतिन जी। जतिन जी आज हमारे साथ आए हैं यहाँ पे सरोजिनी नगर मार्केट में, और हम इनको प्यार से ये टिक्की हमारी तरफ से इनको गिफ्ट कर रहे हैं। जतिन जी अपने बारे में कुछ बताएं, कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? मेरे को बहुत साल हो गए यहाँ से, तकरीबन 5-4 साल हो गए मुझे आते हुए यहाँ पे जी। यहाँ की मेरे को सबसे बेस्ट क्या नाम है, बल्ले पापड़ी बहुत बेस्ट लगती है। अच्छा जी, बल्ले पापड़ी आपको? हाँ जी। आज हम, आपने टिक्की नहीं खाई मेरे ख्याल से? नहीं, आज हम आपको टिक्की खिलाने वाले हैं यहाँ की। ओके ठीक है, आप टेस्ट करके बताइए कैसी लगी आपको। अच्छी है, अच्छी है, और जो इनकी स्टफ है वो भी बहुत अच्छी है, स्टफिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, ये तो मेरा भी मानना है। और ये था जी आज का रिव्यू। अगर आपको मीठी मीठी वाइब आ रही है, क्योंकि मैंने मीठी मीठी दही खाई है अभी, तो इसलिए आपको मीठी मीठी वाइब आ रही होगी। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना यार मत भूला करो, अपने सारे रिश्तेदारों से कराओ, खुल के कराओ, एक रुपया भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, ठीक है। और हम अगली वीडियो में मिल रहे हैं, पक्की बात है, ठीक है, प्रॉमिस है, ओके डन है फिर।